काबुली चना टिक्की, इसके लिए मैंने बॉयल चने लिए हुए हैं, एक बॉयल आलू लिया हुआ है। ये हम अच्छे से मैश करेंगे। आप फोर्क के हेल्प भी ले सकते हैं या मैशर की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक लंग डाला है, चाट मसाला डाला है, होल जीरा डाला है एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाला हुआ है इसमें। इसके बाद भी हम 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा, अगर आपका गीला हो रहा है तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, बट मुझे 2 से 3 टेबल स्पून ही ज़रूरत पड़ी है। इसके बाद हम अच्छे से इसको डो की तरह बना लेंगे। ये डो जैसा बन जाएगा, इसके बाद फिर हम अपने हिसाब से मीडियम या बड़ा जो भी आपको साइज चाहिए आप इसमें टिक्की बना लीजिए। ये देखिए टिक्की मेरी बहुत अच्छी बन रही है, मैं एक एक करके सारी टिक्की बना रही हूँ। मैंने इसमें चिल्ली नहीं डाला, एक्चुअली मेरी डॉटर नहीं खाते। अगर आपके बच्चे चिल्ली खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए मेरी टिक्की बन गई है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला। आप अपने हिसाब से तेल भी डाल सकते हो या इसमें आप चाहें आप उसमें सेक सकते हो। मैंने देखिए एक एक करके मैं सारी टिक्की डाल दी हूँ पैन में। देखिए सारी मैंने टिक्की डाल दी है। इसके बाद फिर हम सेकेंगे अच्छे से, जब तक ये दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक एक करके हम अच्छे से सेकेंगे। आप ऐसे मत कीजिए, एक्चुअली मेरी आदत है हाथ से करने की। अगर आप चाहें तो स्पैचुला या आप अच्छे से आप इसको कर सकें। ये देखिए मेरी टिक्की तो रेडी हो गई है। एक एक करके हम निकालेंगे। देखिए बहुत यम्मी और बहुत क्रिस्पी, बहुत हेल्दी है। फाइबर, प्रोटीन सब कुछ है इसमें। आपके बच्चे के लिए बहुत, वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए अब हम लंच बॉक्स रेडी करेंगे। एक एक करके हम टिक्की रखेंगे। आम मैंने कट करके रखा है, इसमें थोड़े से पीनट, एक में थोड़ा सा चने और थोड़े से बादाम डाल के हम रेडी करेंगे। ये बहुत हेल्दी लंच बॉक्स रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।